बात करते हैं साइवरशिप कर्व के बारे में। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें हम पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड करके पढ़ते हैं, राइट? तो पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स का अपना सर्वाइवरशिप होता है। सर्वाइवरशिप का मतलब होता है कि वो कितने लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाले हैं, किस फेज में उनके ऊपर किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, कौन से चैलेंजेस उनको किस कंडीशन में जिंदा रखते हैं या डेथ करवा देते हैं, ये सब चीजें जो हैं हम एक ग्राफ बना के पढ़ते हैं और उसे हम सर्वाइवरशिप कर्व का नाम देते हैं। ओके, तो सर्वाइवरशिप कर्व है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलाइव इन द पॉपुलेशन एट अ वेरियस एजेस। यानी पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के टाइम पे या अलग अलग एज स्टेटस के टाइम पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइव हैं, उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना के प्रेजेंट करते हैं, इसे हम सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। ओके, द सर्वाइवल रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवल के रेट को हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं और उसे हम सर्वाइवरशिप कर्व कह सकते हैं। अ प्लॉट ऑफ प्रपोर्शन और नंबर ऑफ स्टिल अलाइव एट ईच एजेस। तो ये रहा देखिए एजेस और ये रहा कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है फिलहाल में जिंदा है, दैट इज लॉग स्केल पे देके रखा है। दो डाइवर्स सर्वाइवरशिप कर्व कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री जनरल टाइप। ठीक है, अब जनरल वर्ड का मतलब एक्चुअल में जनरल है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी थोड़ी मिसिंग रहती है। क्यों मिसिंग रहती है ये भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो हम सर्वाइवरशिप कर्व को जनरली तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला है टाइप वन, जिसे हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। दूसरा है टाइप टू, जिसे हम डायगोनल कर्व कहते हैं। और तीसरा है टाइप थ्री, जिसे हम कॉनकेव कर्व कहते हैं। ठीक है, टाइप वन कॉन्वेक्स, टाइप टू डायगोनल, टाइप थ्री कॉनकेव। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व। अच्छा, इसमें जो हम आप कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग लेंगे वो जनरलाइज्ड बेसिस पे होगा, लेकिन इसके कुछ फीचर है जो कि स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक ही रहने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आई वुड लव टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व ताकि आप रिलेट अच्छे से कर पाए। टाइप वन में हम ह्यूमंस आते हैं या फिर जो लार्ज बॉडी साइज मैमल्स होते हैं वो चले आते हैं। ठीक है, तो टाइप वन में आप ह्यूमन को कंसिडर कीजिए। अब हमारी लाइफ की जो भी सर्वाइवरशिप होगी वो बिल्कुल टाइप वन से मैच करेगी। टाइप वन कौन सा है, देखिए ग्राफ, देखिए मैं ग्राफ को जरा हाईलाइट करती हूं। ये है टाइप वन का कर्व, ये देखिए। ठीक है, ये है टाइप वन का कर्व, यानी इस शेप में, दिस इज अ टाइप वन कर्व। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, इसलिए हमने इसको नाम दिया था सबसे पहले क्योंकि किस शेप में है, कॉन्वेक्स शेप में है। आपने फिजिक्स में कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा होगा, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी कुछ इस टाइप का, तो वैसा ही तो कर्व का भी डिजाइन है, राइट? तो टाइप वन क्या होता है, टाइप वन कर्व इज अ फ्लैट एट स्टार्ट। स्टार्टिंग में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये क्या है, ये फ्लैट है, एकदम से पूरा का पूरा इस तरीके से फ्लैट है ये, राइट? रिफ्लेक्टिंग लो डेथ रेट ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिडिल लाइफ। स्टार्टिंग में जो ये कर्व फ्लैट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अर्ली एज में एंड मिडिल एज में हम लोगों का सर्वाइवल हाई रहता है, यानी हमारे जिंदा रहने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। और नीचे देखिए, नीचे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी धीरे धीरे जो एज है वो बढ़ते जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने सर्वाइव है, क्योंकि हम यहाँ एक ह्यूमन को नहीं ले रहे हैं, हम पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन में, और कब है, जब एज काफी ज्यादा लो है, ये रही मिडिल एज। लेकिन इसके बाद जो है लेट एज शुरू हो गई है, जिसे हम कहते हैं
ओल्ड एज चले आना यानी बुढ़ापा चले आना, ठीक है। तो देखिए एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ये ग्राफ जो है दाएं से नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, एंड देन ड्रॉप स्टीपली एज डेथ रेट इंक्रीज अमंग द ओल्ड एज ग्रुप, क्योंकि हमारे जीने की क्षमता एक पॉपुलेशन में जिंदा रहने की क्षमता तभी तक होती है जब तक उसमें जो इंडिविजुअल है वो या तो अर्ली एज के हों या मिडिल एज के हों। अगर ओल्ड एज का इंडिविजुअल उसमें ऐड होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, पॉपुलेशन गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में आने पे डेथ रेट बढ़ जाती है। डेथ रेट बढ़ेगी तो देखिए कैसी गिर रही है, जब ये गिर रही है तो एक बार में नंबर ऑफ इंडिविजुअल इतने हो गए, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे कितने हो गए, इस पॉइंट पे देखिए इतने हो गए, और लास्ट में इस पॉइंट पे आते आते पूरे इंडिविजुअल जीरो हो जाएंगे। तो ये एक आपको आइडिया बता रहा है कि कैसे बढ़ते हुए एज ग्रुप के साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में सर्वाइव करते हैं उनमें फ्लक्चुएशन आता है। तो इनमें क्या देखा जाता है, इनमें हाई एज स्पेसिफिक सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है मेनली इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ। मोर्टैलिटी इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड द एंड ऑफ द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसमें एज स्पेसिफिक सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है यानी एज के अकॉर्डिंग सर्वाइवल देखा जाता है। अगर ऑर्गेनिज्म अर्ली एंड मिडिल एज में है तो उस टाइम पे वो ज्यादा सर्वाइव करता है कंपेयर टू ओल्ड एज जिसमें उसकी मोर्टैलिटी यानी डेथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब वो अपने मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आएगा तो उस टाइम पे उसमें डेथ रेट बढ़ जाता है। हमारे में भी तो ऐसा ही होता है, हम यंग एज एंड मिडिल एज में हमारे जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होगा, ग्राफ नीचे गिरेगा। सो इन टाइप वन द रेट ऑफ लॉस फॉर द जुवेनाइल इज रिलेटिवली लो एंड मोस्ट इंडिविजुअल आर लॉस्ट लेटर इन द लाइफ। जुवेनाइल यानी यंग की हम बात कर रहे हैं, तो यंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेथ होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू द ओल्डर लाइफ, जिसमें कि ओल्ड एज में जाते जाते ही ऑर्गेनिज्म का जो अपनी लाइफ को लॉस्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है बिकॉज दे बिकम ओल्डर एंड दे बिकम मोर प्रोन टू सिकनेस एंड प्रेडेटर। अगर हम हमारी बात करें तो हम ओल्ड एज में जाते ही हम ज्यादा सिक होने लगते हैं, बीमारियां हमें लगने लगती हैं। और अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें भी जब ओल्ड एज आता है तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो प्रीडेटर के ज्यादा शिकार होने लगते हैं। सो दे आर हैविंग द हाई सर्वाइवल एट अर्ली एंड लो सर्वाइवल एट लेटर एज। दे हैव रिलेटिवली फ्यू ऑफस्प्रिंग बट इन्वेस्ट मच मोर टाइम एंड रिसोर्स रेजिंग देयर यंग वंस। यानी इनमें क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टाइप वन के एग्जाम्पल में चले आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग यानी अपने जो बच्चे हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग का नंबर काफी कम रखते हैं लेकिन वो अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम उनको पेरेंटल केयर देने में बिताते हैं यानी उनकी देखभाल करने में, उनको परवरिश देने में बिताते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं कि इनमें हाई पेरेंटल केयर होता है। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं बहुत से लार्ज मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस एज वेल एज एलिफेंट दैट एग्जिबिट दैट प्रोड्यूस फ्यू ऑफस्प्रिंग बट प्रोवाइड देम विद अ गुड केयर एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ कर्व। द मैक्सिमम स्पीसीज आर इटेरोपैरस। टाइप वन में आने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनमें से मैक्सिमम स्पीसीज इटेरोपैरस होती हैं। इटेरोपैरस यानी वो अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम ब्रीड करती हैं यानी मल्टीपल टाइम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल है टाइप वन के, जैसे कि हो गया डियर, शिप, मैंगो ट्री, ह्यूमन, एलिफेंट, ये सारे स्पीसीज में जो है हमको टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है दैट इज डॉल माउंटेन शिप का। ये क्या शो कर रही है, अगर एक मतलब जब ग्राफ अकेला दिखाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है, राइट। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व शो हो रहा है। और हमेशा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कभी भी जो एकदम बोलते हैं कि ब्यूटीफुल ग्राफ एक्सपेक्ट मत कीजिए, रियलिटी वाला ग्राफ थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो हमें जो थियोरेटिकली ग्राफ मिलता है वो ऐसे मिलता है टाइप वन के लिए, ठीक है, बट रियलिटी में ग्राफ ऐसा कुछ दिख सकता है। ओके, अब बात करते हैं टाइप थ्री की। टाइप टू का लास्ट में बात करेंगे क्योंकि टाइप वन जो हमने बात किया, टाइप वन का पूरा उल्टा है टाइप थ्री।
इसलिए इसको समझना आसान हो जाएगा. जो फीचर्स हमने वहां पे पढ़े वो पूरे फीचर्स यहाँ पे उल्टे होते हैं. तो जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा कैसा ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ, राइट, कॉन्वेक्स वाला. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉनकेव. तो यहाँ का जो ग्राफ होगा वो ये है, ये ठीक है, यानी ये वाला ग्राफ, ब्लू वाला, फाइन. तो इन कॉन्ट्रास्ट टाइप थ्री कर्व ड्रॉप शार्पली एट स्टार्टिंग. इसमें उल्टा है, टाइप वन का पूरा उल्टा है. जैसे टाइप वन जो है लेटर में, लेटर एज ग्रुप में जाकर ग्राफ नीचे गिर रहा था, इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में ही नीचे गिर जाता है, ठीक है. रिफ्लेक्टिंग अ वेरी हाई डेथ रेट फॉर द यंग. क्यों? क्योंकि इनमें यंग ऑर्गेनिज्म की डेथ ज्यादा होती है, उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. लेकिन जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है इनका ग्राफ देखिए फ्लैट होने लगा है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनका एज ग्रुप बढ़ता है इनका जो डेथ रेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. तो होता क्या है कि शुरुआत में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए 1000 जो है ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, लेकिन बहुत कम एज में ही उनमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और गिने चुने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिंदा रह जाते हैं, जो कि एक स्ट्रेट ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं. जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उस एरिया में अच्छे से सर्वाइव करना, फाइट करना, बचना, ये सब स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, ठीक है. और वही वो ऑर्गेनिज्म है जो जो ये अर्ली स्टेज में जो ये पूरा डेथ सिनारियो चल रहा था, इस सिनारियो से वो बच गए, वही ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेटर एडॉप्ट कर लेते हैं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, स्केपिंग स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, और वही ऑर्गेनिज्म फिर ये फ्लैट वाला कर्व प्रोड्यूस करते हैं. और वो इतने अच्छे ट्रेन हो जाते हैं कि अब उनका मतलब उन सारे रीजन की वजह से डेथ नहीं होता है जिस रीजन की वजह से डेथ जनरली नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का हो जाता है, जैसे हो गया प्रिडेशन, अटैक, इन सब से, क्योंकि वो अच्छे खासे तरीके से ट्रेन हो जाते हैं. तो इसलिए लेटर लाइफ में जाके उनका डेथ रेट जो है कम हो जाता है, लेकिन अर्ली एज में उनका डेथ रेट हाई रहता है. बट फ्लैटन आउट द डेथ रेट डिक्लाइन फॉर दोज फ्यू इंडिविजुअल, बचते बहुत कम है, जो ये फ्लैट ग्राफ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में बहुत कम बचते हैं. क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कितना कम है. यहाँ पे साइज है 1000 का, यहाँ पे साइज कितना होगा, हार्डली 10 से 15 होगा, ठीक है, सॉरी 10 तो यहीं पे हो गया, यहाँ पे 2 से 3 होगा. तो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो बहुत कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो वेल अडॉप्टेड रहते हैं, ठीक है. तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इस फ्लैट कर्व को प्रेजेंट करेंगे जिनमें डेथ रेट डिक्लाइन हो जाएगा, फॉर द फ्यू इंडिविजुअल दैट सर्वाइव द अर्ली पीरियड ऑफ डाई ऑफ, स्टार्टिंग का जो डाई ऑफ चल रहा था, डेथ हो गई थी, उनको जो सर्वाइव कर गया वही ऑर्गेनिज्म आगे चल के ये फ्लैट वाला कर्व प्रेजेंट करता है. दिस टाइप ऑफ कर्व इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बट प्रोवाइड लिटिल और नो पेरेंटल केयर, सच एज लॉन्ग लिव प्लांट, मेनी फिशेस, most marine invertebrates and some insect. ऐसा ग्राफ वही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को एक साथ प्रोड्यूस कर देते हैं. एंड दैट इज वाई, क्योंकि अपना पूरा एनर्जी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में लगा दे रहे हैं, वो अपनी ऑफस्प्रिंग के लिए बहुत ज्यादा कम पेरेंटल केयर या फिर पेरेंटल केयर प्रोवाइड ही नहीं करते हैं. ऐसे में कुछ एग्जाम्पल चले आते हैं, जैसे कि हो गया ऐसे प्लांट जो लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं. नेक्स्ट मैनी बहुत सारी फिशेस चली आती हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स चले आते हैं, कुछ इंसेक्ट चले आते हैं, ठीक है. एक अच्छा खासा एग्जाम्पल एक ऑयस्टर का भी है. ऑयस्टर फॉर एग्जाम्पल दे रिलीज मिलियंस ऑफ एग्स बट मोस्ट लार्वा हैच फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, डाई फ्रॉम द प्रिडेशन और अदर कॉजेज. Those few offspring that survive long enough to attach to the suitable substrate and begin growing a hard shell tend to survive for the relatively longer time. इनमें high death rate early stage में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक साथ बहुत सारे offspring को produce कर दे रहे हैं. बहुत सारे offspring produce होने के कारण क्या होगा कि maximum को तो parental care दी नहीं जाएगी, तो उसको produce कर दिया और normal environment में छोड़ दिया. अब environment तो इतना suitable तो है नहीं, वहां पे predation चल रहा है, adverse condition चल रहा है, मतलब कि अनसर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है. इन सब वजह से क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग की डेथ हो जाएगी. और कुछ एकाध खुद को उस हार्श कंडीशन में बचाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और उसके बाद वो इतने स्ट्रैटेजिक हो जाएंगे कि उनके पास सभी चीज की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी,
और हेंस वो ताकतवर हो जाएंगे और वही फिर सर्वाइव करेंगे लंबे टाइम तक, लेकिन उनका नंबर कम होता है। इसलिए बोला गया कि स्टार्टिंग में इनमें बहुत ज्यादा डेथ रेट देखी जाती है, बाद में धीरे धीरे जो है ये पूरा ग्राफ फ्लैट हो जाता है। ऑयस्टर में भी सेम यही देखने को मिलता है, ऑयस्टर जो है मिलियंस ऑफ एग को रिलीज करता है, लेकिन जो भी लार्वा उससे निकलते हैं, जो भी लार्वा फर्टिलाइज एग से निकलते हैं, उनमें से मैक्सिमम की डेथ प्रीडेशन या अदर कॉजेस के द्वारा हो जाती है। और जो बच जाते हैं वो खुद को क्या करते हैं, वो खुद को जो है सूटेबल सबस्ट्रेट से जो है स्टिक कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, और उसके बाद आगे चल के वो अपनी बॉडी पे एक हार्ड शेल फॉर्म कर लेते हैं और वही लंबे टाइम तक जीते हैं। बाकी तो जिन जो कि स्टार्टिंग में प्रीडेशन और अदर कॉजेस के द्वारा जिनकी डेथ हो गई वो तो अब एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो एक अच्छे खासे स्ट्रैटेजी के साथ बचे रहते हैं और उनके ऊपर चांसेस होते हैं कि वो लंबा जी लें। ठीक है, नेक्स्ट। सो द रेट ऑफ लॉस ऑफ जुवेनाइल इज रिलेटिवली हाई, इनमें जुवेनाइल का लॉस हाई होता है, मतलब कि एट द वेरी स्टार्टिंग टाइम जो यंग एज होता है उनमें इनकी डेथ ज्यादा होती है, जो सबसे पहले जब ये पैदा हुए हैं, यानी इनमें हाई मोर्टैलिटी या डेथ रेट जो है अर्ली एज में पाया जाता है। रेट ऑफ लॉस ऑफ जुवेनाइल इज रिलेटिवली हाई, सो सॉरी मैनी फिशेस, शेलफिश हो गया, इसके अलावा मैरीन इनवर्टिबेट्स हो गया, इसी कर्व में फिट होते हैं। मोस्ट ऑफ द जुवेनाइल डाई और आर ईटन बाय बट अ फ्यू रीचेस अ फेवरेबल हैबिटेट एंड थ्राइव, क्योंकि इनमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जन्म लेते ही जब इनका लार्वल फॉर्म होता है या एक ऐसा फॉर्म होता है जिस टाइम पे ये हिलडुल भी नहीं सकते, उसी टाइम पे मैक्सिमम ऑस्प्रिंग का क्या हो जाता है, प्रीडेशन हो जाता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। गिने चुने ही मतलब कि बच पाते हैं और आगे चल के फेवरेबल कंडीशन में खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। बहुत से इंसेक्ट एंड प्लांट जो है इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, बिकॉज दे ले मैनी एग्स और रिलीज हंड्रेड ऑफ सीड्स रेस्पेक्टिवली एंड मोस्ट ऑफ दीज डाई। तो प्लांट या इंसेक्ट की बात कर लीजिए, इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट बहुत से एग्स दे सकते हैं जिनमें से बहुत कुछ ही जिंदा रहते हैं, प्लांट भी बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ ही सीड होते हैं जो कि आगे चल के लाइफ को जन्म देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, इनमें जो है मतलब कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करेंगे, इसीलिए टाइप 3 शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम सेमल पैरस कहते हैं, यानी सेमल पैरस ऑर्गेनिज्म टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को शो करता है। सेमल पैरस यानी पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करेगा और ऑलमोस्ट उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बार्निकल का केस, बार्निकल्स में भी जो है हमको टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये एक जुवेनाइल फेज में अच्छा खासा डाउन हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये एक स्टेशनरी फेज ले रहा है। तो इनका ग्राफ कैसा हो गया, इनका ग्राफ ऐसा कॉन्केव। ठीक है, अब अगर एक नटशेल की बात की जाए तो होता क्या है, इन टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व देयर इज एक्सटेंसिव अर्ली मोर्टैलिटी बट अ हाई रेट ऑफ सब्सिक्वेंट सर्वाइवल। दिस इज टिपिकल ऑफ अ स्पीसीज दैट प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग, फ्यू सर्वाइव इनिशियली बट वंस इंडिविजुअल रीचेस अ क्रिटिकल साइज देयर रिस्क ऑफ डेथ रिमेन लो एंड मोर और लेस कॉन्स्टेंट। दिस अपीयर टू बी मोस्ट कॉमन सर्वाइवरशिप कर्व अमंग द एनिमल एंड द प्लांट इन नेचर। तो देखने को यही मिलता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टाइप 3 को शो करते हैं उनमें इनिशियल टाइम में तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को जो ऑर्गेनिज्म झेल जाता है वो आगे चल के जो है बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ जिंदा रहता है। इफ मोर्टैलिटी रेट आर एक्सट्रीमली हाई इन द अर्ली स्टेज एज इन द ऑयस्टर फिश एंड मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड मैनी प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग मोस्ट ट्री द कर्व इज कॉन्केव एंड दिस इज सेट टू बी टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप 3 की बात। तो आप देख सकते हैं टाइप 3 कैसा दिखता है, दिस इज अ टाइप 3, दिस इज अ टाइप 1। तो हमने टाइप 1 एंड टाइप 3 पढ़ लिया, अब हमारे पास है क्या, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 आप देख पा रहे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के टाइप 3 के बीच में से जा रही है। एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन है भी, टाइप 1 और टाइप 3 के बीच में से जा भी रही है, और एक्चुअल में इसको बीच का ही कर्व माना जाता है, यानी हम ये कहते हैं कि टाइप 2 जो है कर्व ये एक इंटरमीडिएट कर्व है, और ये जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 का कुछ मिक्सचर जो है कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर सकती है। सो टाइप 2 कर्व इज अ इंटरमीडिएट विद अ कॉन्स्टेंट डेथ रेट ओवर द ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन। इनमें क्या होता है, इनमें हर एक स्टेज पे कांस्टेंट डेथ रेट बनी रहती है,
यानी हर एक स्टेज पे डेथ होने की पॉसिबिलिटी कॉन्स्टेंट है, जितनी जितनी पॉसिबिलिटी अर्ली एज में है उतने ही मिडिल में, उतने ही ओल्ड एज में है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज इन अ दैट इज बिल्डिंग ग्राउंड स्क्वायरल एंड सम अदर रोडेंट, मैनी इनवर्टिब्रेट, लीजर्ड एंड एनिमल प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो है, जैसे कि हो गया एनिमल प्लांट्स हो गए, लीजर्ड इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स हो गए, लीजर्ड्स हो गए, रोडेंट हो गए, उसके अलावा ये ग्राउंड स्क्वायरल्स हो गए, इनमें देखा गया है कि ये टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व को शो करते हैं। टाइप टू में होता क्या है, इफ सर्वाइवल रेट डू नॉट वैरी विद द एजेस, द सर्वाइवरशिप कर्व विल बी स्ट्रेट और टाइप टू, रफली कॉन्स्टेंट मोर्टैलिटी प्रोबेबिलिटी इज एक्सपीरियंस रिगार्डलेस ऑफ एज। इसमें हम कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एज हर एक टाइम पे मोर्टैलिटी यानी डेथ होने की पॉसिबिलिटी कॉन्स्टेंट मेंटेन रहती है। इसमें सर्वाइवल एज स्पेसिफिक नहीं होता है, एज के अकॉर्डिंग इसमें हम सर्वाइवल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं सर्वाइवल रेट डू नॉट वैरी विद द एजेस, क्योंकि एज इसमें मैटर ही नहीं कर रहा है। इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द टाइप वन एंड टाइप थ्री, इसलिए इसको एक इंटरमीडिएट माना जाता है। ऐसे कर्व को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हो गया एडल्ट बर्ड्स, रोडेंट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, स्मॉल मैमल्स हो गए, लीजर्ड, माइस, एज वेल एज बहुत से पीनियल प्लांट्स हो गए। ये सारे जो हैं टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व को शो करते हैं। आप चाहें तो आपके दिमाग में अगर कोई और एग्जांपल हो तो आप उसे एक बार गूगल पे सर्च करके कि वो किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद आपको आप जो है इन्हीं तीनों कैटेगरी में से जिस कैटेगरी में वो आता है एग्जाम्पल, उसको जो है इस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व इज स्ट्रेट लाइन, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, सिग्निफाइंग अ कॉन्स्टेंट मोर्टैलिटी रेट फ्रॉम बर्थ टू द मैक्सिमम एज, यानी जब से जन्म हुआ है तब से लेके मैक्सिमम एज तक हर एक एज ग्रुप में डायरेक्टली कॉन्स्टेंट डेथ का जो पॉसिबिलिटी है वो बना रहता है, इसलिए हमको जो है ये एक स्ट्रेट ग्राफ देखने को मिल रहा है। इट डिस्क्राइब फॉर अ इंस्टेंट द सर्वाइवल ऑफ द ब्यूरीड सीड इन द सीड बैंक, और ये एक तरीके से ऐसे सीड जो कि हम सीड बैंक में रखते हैं उनके सर्वाइवरशिप को भी टाइप टू में हम लेके चल सकते हैं। सो टाइप टू कर्व रिप्रेजेंट अ मिडिल ग्राउंड विद फेयरली यूनिफॉर्म डेथ रेट ओवर द टाइम। तो ये हो गई टाइप टू की बात, जिसमें कि हमने एक तरीके से टाइप वन और टाइप थ्री के फीचर्स को मिक्स होते हुए देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं वैलिडेशन के बारे में, यानी ये जो हमने तीनों टाइप के कर्व पढ़े ये कितने स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं या कितना वैलिडेट करते हैं इकोलॉजी में, ये यानी इनकी रियलिटी क्या है ऑन ग्राउंड, हम वो समझने वाले हैं। तो देखिए क्या इसमें बोला गया है, यहां से यहाँ ये जो चीज बता रही हूँ ना, यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे होंगे जो कि दिमाग में लगा रहे होंगे कि नहीं एक स्पीसीज इस कैटेगरी में आया है तो वो दूसरा चीज नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो उस वो एक थिंकिंग के लिए, अभी जो हमने पढ़ा है वो बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, लेकिन सारे के सारे कर्व अपने आप में बहुत जनरल हैं, यानी कहीं पे भी वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, इनफैक्ट आप चाहो ना तो आप किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवरशिप कर्व जो है फ्लक्चुएट करवा सकते हो आप अपनी हरकतों से, ये भी पॉसिबिलिटी में आता है। देखिए मैनी स्पीसीज फॉल समवेयर बिटवीन दीज बेसिक टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप शो मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, जो तीन टाइप के हमने सर्वाइवरशिप कर्व पढ़े, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इन्हीं सर्वाइवरशिप कर्व में से किसी ना किसी कर्व में फॉल आउट होते हैं। एग्जांपल कि ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें मोर्टैलिटी हाई रहता है अमंग द यंग इंडिविजुअल, ठीक है, जब ये यंग रहते हैं तो इनमें डेथ रेट बहुत हाई होती है, मतलब कि ये टाइप थ्री को शो कर रही है, राइट, बट फेयरली कॉन्स्टेंट अमंग द एडल्ट, लेकिन जब ये बड़ी होती हैं तो इनका डेथ रेट कॉन्स्टेंट चलता है। तो ये किसका फीचर हो गया, ये हो गया टाइप टू का। तो आप देख रहे हैं बर्ड में जो है ये, अगर हम डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो बर्ड को जब हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप, कि अपने वेरी इनिशियल एज में वो टाइप थ्री शो कर रही है और एडल्ट एज में वो टाइप टू को शो कर रही है। सम इनवर्टिब्रेट जैसे कि हो गए क्रैप्स मे शो अ स्टेयर स्ट्रिप्ड कर्व विद द ब्रीफ पीरियड ऑफ इंक्रीज मोर्टैलिटी ड्यूरिंग द मोल्ट followed by the period of lower mortality when protective exoskeleton is hard. तो क्रैब में भी क्या होता है, स्टार्टिंग में जो mortality रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, बाद में जो है वो mortality धीरे धीरे लो हो जाती है जैसे ही वो अपने चारों तरफ एक exoskeleton
फॉर्म कर लेता है. इन एडिशन टू सच वेरिएशन अमंग द स्पीसीज, सर्वाइवलशिप कर्व ऑल्सो कैन डिफर अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज. और इसी तरीके से किसी भी पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आ सकता है सर्वाइवरशिप में, अगर कोई फैक्टर वहां पर डिफर करते हैं तो. इन अ पॉपुलेशन एक्सपीरियंसिंग लो लेवल ऑफ अ इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, सर्वाइवरशिप इज वन ऑफ द टू की फैक्टर डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन द पॉपुलेशन. ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एंट्री और एग्जिट काफी लो हो रही है, उसमें सर्वाइवरशिप के बेसिस पे भी आप एक पॉपुलेशन के साइज का पता लगा सकते हैं. कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको वैलिडेशन का पता चलेगा. कीप इन माइंड हाउएवर दैट दीज आर जनरलाइज्ड कर्व एंड दैट फ्यू पॉपुलेशन फिट देम एग्जैक्टली. ओके, फर्दर मोर ह्यूमन कैन इंपैक्ट द सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीसीज दैट दे हार्वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एज क्लासेस आर इंपैक्टेड. तो ये जो हमने कर्व पढ़ा है ना, ये तीनों कर्व, ये बहुत जनरलाइज्ड कर्व है. कुछ पॉपुलेशन इनमें एग्जैक्टली जाके फिट हो जाती है, कुछ पॉपुलेशन एग्जैक्टली फिट नहीं होती है. उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा उसमें फिट होता है, कुछ हिस्सा फिट नहीं होता है. यानी एक ऑर्गेनिज्म जो टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व शो कर रहा है, तो हमने जितनी प्रॉपर्टी लिस्ट की टाइप वन की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, वो उन पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर भी सकता है या फिर कुछ एकाद प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है. ऐसा स्ट्रिक्टली लेके नहीं चलना है, चेकलिस्ट नहीं है ये कि ये चेक ये चेक ये चेक ये चेक ये टाइप वन है, ऐसा नहीं है. क्योंकि ये कर्व अपने आप में जनरलाइज्ड है. जैसे बोला है कुछ ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन पूरे फिट बैठ जाएंगे, यानी सारी चेकलिस्ट को चेक कर देंगे, और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पूरी फिट नहीं बैठेगी, दो तीन कैरेक्टर को ही लेके बस फिट बैठेगी. तो इसके लिए रेडी रहना है. आप एकदम रफली जो है पूरा का पूरा फिक्स नहीं कर सकते हो कि ये इसमें आता है तो ये इसमें नहीं आता है. जैसे कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन काफी सारी फिशेस ऐसी हैं जो कि पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करती हैं, और कुछ बहुत ही कम करती हैं. तो देख रहे हो हर टाइप की वैरायटी है इसमें, डिपेंडिंग कि हम किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ह्यूमन का जो एक्टिविटी होता है या अदर ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी, वो किसी ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवरशिप है ना, उसमें बदलाव ला सकती है. जैसे कि ये केस स्टडी आपके सामने रखी गई है ग्रासेस की, जो कि एरिजोना में जो है देखने को मिली थी. यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी दी गई है ग्रासेस की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये है अनग्रेज्ड लैंड. अनग्रेज्ड यानी जिसपे की कोई भी हर्बीवोर ने आके ग्रेजिंग नहीं की, मतलब खाया नहीं इसको. और ये है ग्रेज्ड यानी जिसपे आके किसी हर्बीवोर ने मतलब कि कैटल वगैरह ने आकर खाया. तो जो अनग्रेज्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल तीन ग्राफ है, तीन सर्वाइवरशिप दे के रखा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है सात पे, ठीक है, एक है आठ पे और एक है दस पे. दस वाला कौन सा है? दस वाला है लगभग दस वाला है ये, दैट इज टाइकेनी कैलिफोर्निका, ठीक है, टीसी इसको लिखती हूँ मैं. ग्रीन वाला है लाइक्यूरस एलपी, और रेड वाला है बोटुलुआ हिस्टोआ, ये हो गया बीएच. ठीक है, आप देख सकते हैं सबका सर्वाइवरशिप कैसा है जब ये अनग्रेज्ड है. तो लेकिन जब ग्रेजिंग शुरू हो गई, यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म आए, तो ऑर्गेनिज्म कैटल आए यानी हर्बीवोर आए, तो इन्होंने इस प्लांट को खाना शुरू किया. जब इसको खाया जाएगा तो इसका सर्वाइवरशिप में चेंज चला आएगा, जितना लंबा ये जीने वाले हैं उसमें चेंजेस चले आएंगे. जैसे कि ग्रेज लैंड में देखा गया कि ये जो ग्रीन वाला है दैट इज एल पी, और ये जो रेड वाला है दैट इज बी एच, इनका सर्वाइवरशिप देखिए कहाँ चला आया, पांच पे, यानी पांच साल ही लगभग ये सर्वाइव करेंगे. जबकि दूसरा वाला टीसी का देखिए, टीसी का पहले जो है लाइफ था 10 का, लेकिन अब देखिए ये 10 से बाहर क्रॉस करने लगा है, इन 10 ईयर से ज्यादा जिंदा रहेगा. क्यों? क्योंकि जब ये तीनों साथ में थे तो स्टार्टिंग की जो स्पीसीज थी वो ज्यादा डोमिनेटिंग थी. ओके, लेकिन जब ग्रेजिंग शुरू हुई तो डोमिनेटिंग मतलब जिनका नंबर ज्यादा हो, जब ग्रेजिंग शुरू हुई तो वहां के ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले उस प्लांट को खाया जो जिनका नंबर वहां ज्यादा था. जिनका नंबर वहां ज्यादा था उनको ज्यादा खाया तो उनका नंबर कम हो गया, तो
उनका सर्वाइवरशिप देखिए, स्टार्टिंग में जो है एक का 7 था, एक का 8 था, अब दोनों का 5 साल का हो गया, पहले 7 और 8 साल का था, है ना, इतना लंबा वो जीते, अब जो है 5 साल जिएंगे। जबकि टीसी जिसका नॉर्मल लाइफ था इन दोनों की प्रेजेंस में, दैट इज 10 ईयर्स का, अब ये दोनों क्योंकि कम हो गए हैं तो सारे रिसोर्सेस किसके लिए अवेलेबल हो गए, इसके लिए अवेलेबल हो गए, तो अब ये जो है उन रिसोर्सेस को कंज्यूम करके थोड़ा सा लंबा जिएगा, 10 साल से ज्यादा जिएगा। तो यानी हंटिंग, ओवर कलेक्टिंग, ग्रेजिंग, ये सब चीजें ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवरशिप कर्व को बदल सकती है, कितना लंबा वो जिएगा इसे वो चेंज कर सकती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या किया गया था, इंग्लैंड के 2 सिटी में जो फॉक्स है, दैट इज वाल्पिस वेल्पिस, इनको इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इनके जो कब्स होते थे यानी इनके जो बच्चे होते थे उनको क्या किया जाता था, उनको ले जाकर एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाता था। तो एक जगह पे ये कंट्रोल चला इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी जगह पे ये कंट्रोल नहीं चला। तो ब्रिस्टॉल जहां पे कि नो फॉक्स कंट्रोल, जहां पे कोई कंट्रोल नहीं था यानी जहां पे ये प्रैक्टिस अपनाई नहीं गई, वहां का सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग देखिए इनका लाइफ जो है लंबा चला। लेकिन लंदन जहां पे फॉक्स पे कंट्रोल अप्लाई किया गया वहां पे इनका सर्वाइवरशिप कर्व में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया और सिर्फ ये 8 साल तक रहे। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, 20% से जो है पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई मेनली लंदन में, जबकि सेम साइज की पॉपुलेशन अभी भी ब्रिस्टॉल एरिया में पाई जा रही है। वही बोला गया है कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कलेक्टिंग किया गया। ठीक है, लास्ट वाली केस में हमने ग्रेजिंग किया था, और अगर आप मान लीजिए मैं कहती हूँ कि एक एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म है और उसकी सर्वाइवरशिप कर्व ये है, और मैंने आपको भेज दिया और आप उस पर हंटिंग परफॉर्म करोगे, तो जब आप उस पर शिकार करोगे ना तो उसके सर्वाइवरशिप कर्व में चेंजेस आ सकते हैं। यानी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि हो गया हंटिंग, ओवर कलेक्टिंग, ग्रेजिंग, ये सब चीजें एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवरशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके, ये पिक्चर जरा देखिए। इस पिक्चर में क्या आप बता सकते हो ए नंबर ऑर्गेनिज्म जो है किस टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व शो कर रहा है? इट इज वेरी इजी टू डिपिक्ट, राइट? बताओ जरा। अगर ए को हम देखते हैं तो सीधी सी बात है, देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये टाइप 1 को शो कर रहा है, टाइप 1। ठीक है, और अगर मैं और देखूं तो ये टाइप 2 नहीं है, ये भी टाइप नहीं है। डी को देखिए, डी टाइप 2 शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, राइट? सी और बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखिए ये बीच में से इधर से क्यों मुड़ रहा है और ये इधर से फिर फ्लक्चुएट किया है, राइट? तो क्या कहा गया है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो परफेक्टली जाके फिट हो जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो परफेक्टली फिट नहीं होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म मिक्सचर भी शो करेंगे। ये जो बी और सी वाला डायग्राम है ना, बी और सी वाले जो डायग्राम है ये सर्वाइवरशिप कर्व के, एक्चुअल में दीज आर बी एंड सी, ये किसके मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1, ये बी और सी जो है ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों शो करेंगे, लेकिन अपने डिफरेंट लाइफ साइकिल के फेजेस पे, यानी अर्ली में कुछ और शो करेंगे, लेट में कुछ और करेंगे और ओल्ड में कुछ और करेंगे। तो दे आर गोइंग टू शो द मिक्सचर ऑफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसलिए हमको अटपटे टाइप के ग्राफ यहाँ दिख रहे हैं, ये परफेक्टली जो है पूरे के पूरे ना ही हमको टाइप 2 दिख रहे हैं ना ही हमको टाइप 3 दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यस, ए वाला टाइप 1 परफेक्टली हमको समझ में आ रहा है, टाइप 2 भी दिख रहा है। तो ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज भी रहे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसके अलावा भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वो होता है इनके बीच का भी कुछ इंटरमीडिएट होना, राइट? अभी आपने बर्ड का केस देखा कि बर्ड स्टार्टिंग में जो है कोई और लाइफ साइकिल यूज, कोई और सर्वाइवरशिप कर्व शो करती है, जैसे ही एडल्ट फेज में जाती है उस टाइम पे कुछ और करती है। तो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवरशिप कर्व का मिक्सचर भी पाया जा सकता है, डिपेंडिंग कि किस फेज में उनको ज्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं और किस फेज में कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो परफेक्टली फिट हो रहे हैं, टाइप 1 शो करते हैं तो मतलब शो करेंगे और कुछ नहीं शो करेंगे, टाइप 3 करते हैं तो मतलब टाइप 3 करेंगे, टाइप 2 कर रहे हैं तो मतलब टाइप 2 करेंगे, लेकिन ऐसे उनके अलावा भी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो थोड़ा सा मिक्सचर शो करेंगे। ठीक है, ये चीज उम्मीद करते हो क्लियर हो गई होगी सभी को। ओके,
ये कुछ और ग्राफ है जिसमें कि आपको पता चल रहा है अबाउट दी सर्वाइवरशिप, ठीक है। ये रहा टाइप वन का ग्राफ, टाइप टू एंड टाइप थ्री, इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी। देखिए टाइप वन में ये रहा अर्ली एज, ये रहा मिडिल, ये रहा लेट, राइट। तो रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी देखिए, तो रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी देखिए क्या हो गया, रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी देखिए हाई हो गया है जब हम लेट एज में चले गए हैं तो, ठीक है। तो टाइप वन का रिस्क मोर्टैलिटी ग्राफ ये रहा। नेक्स्ट देखिए टाइप टू का, टाइप टू का हमने जो ग्राफ देखा वहां पे, दैट वाज अ सर्वाइवरशिप ग्राफ, राइट। लेकिन इसका रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी ग्राफ कैसा रहेगा, हमने कहा था कि इसमें जो है डेथ रेट टू हर एक एज ग्रुप के साथ जो है कांस्टेंट चलती है। तो देखिए यहाँ पे डेथ रेट कांस्टेंट चल रही है, तो कहीं चेंज नहीं हो रही है, कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे अर्ली हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लेट हो, एकदम कांस्टेंट चल रही है। टाइप थ्री में देखिए, टाइप थ्री का तो सेम ही है भाई, जैसा ग्राफ है वैसा ही मोर्टैलिटी है, कि स्टार्टिंग में जो है मोर्टैलिटी हाई रहेगी, बाद में चल के लो हो जाएगी। क्लियर, ये रहा आपका सर्वाइवरशिप वर्सेस रिस्क मोर्टैलिटी ग्राफ, कैसे कैसे हो सकता है। ओके सॉरी, उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है अबाउट द प्लांट ग्रोथ, कि जब प्लांट हाई डेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं तब कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व है, मीडियम डेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं तब कौन सा है, एंड हाई डेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं तब कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो इन तीनों के तीनों ग्राफ में जो है तीन तीन वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, फॉर श्योर ये टाइप वन है, इजिली समझ में आ गया, राइट। टाइप वन है ये, आराम से समझ में आ गया। ये टाइप टू जैसा लग रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे रफली वी कैन से कि मे बी इट इज टूवर्ड द टाइप टू, ठीक है। लेकिन ये वाला देखिए, ऊपर वाला था लो डेंसिटी, ये था मीडियम, ये था हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी पे देखिए ये नीचे की तरफ आया है, फिर थोड़ी देर चला है, फिर नीचे की तरफ आया है। सीधी सी बात है, ये तो ना ही टाइप वन दिख रहा है, ना ही टाइप टू दिख रहा है, तो मे बी इट कैन बी टाइप थ्री, राइट। रियल ग्राफ ऐसे ही दिखते हैं, हम जो इतना स्ट्रेट ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ये सिर्फ थ्योरी में ही होता है, बुक्स में ही दिखते हैं। रियल में जो डेटा ऑब्टेन करके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, वो ग्राफ ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उनमें रहता है, ठीक है। तो ये था लो डेंसिटी का केस, मिडिल वाला मीडियम डेंसिटी और नीचे वाला हाई डेंसिटी। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये एक केस स्टडी की गई, ठीक है, एक एनुअल प्लांट पे जिसका नाम है यूरोफिला वर्ना। इसको तीन डेंसिटी में देखा गया, लो डेंसिटी में, हाई डेंसिटी में एंड मीडियम डेंसिटी में। जब इसको हाई डेंसिटी में देखा गया तो लगभग 55 से ज्यादा सीडलिंग जो है वो पर 0.001 मीटर स्क्वायर प्लॉट में थे। मीडियम में जो है 15 से 30 सीडलिंग थे, और हाई में 55 से हाई थे, और लो में जो है हमको 1 से 2 सीडलिंग जो है पर प्लॉट देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो ये प्लांट एक ही है, लेकिन इसको कैसा चैलेंज मिल रहा है उसके बेसिस पे इसने अपने सर्वाइवरशिप के ग्राफ में शिफ्टिंग की। अच्छा, हाई डेंसिटी में इसको क्या दिक्कत हो रही है, कोई मुझे बताएगा? अर्ली स्टेज में जब इसको हाई डेंसिटी में दिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये क्यों जो है टाइप थ्री सर्वाइवरशिप कर्व शो कर रहा है? क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे जो है बहुत सारे ऑर्गेन, बहुत सारे सीड्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, राइट। उनमें से जो कैपेबल होगा वही सर्वाइव करेगा, वही जर्मिनेट करेगा। तो टाइप थ्री हमको देखने को मिल रहा है किसमें, टाइप थ्री हमको देखने को मिल रहा है हाई डेंसिटी पे, ठीक है। दैट इज टाइप थ्री कर्व इन दी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ एट अ वेरी हाई डेंसिटी। नेक्स्ट मीडियम डेंसिटी जब है तो मीडियम डेंसिटी पे हमको क्या मिल रहा है, दैट इज टाइप टू मिल रहा है। तो सर्वाइवल कैन फॉलो, सॉरी, टाइप टू कर्व एटलीस्ट अंटिल द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एट अ मीडियम डेंसिटी, और एट द वेरी लो डेंसिटी जब बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ मतलब कि सीडलिंग्स बचे हैं,
उसमें क्या होगा, दे आर अ दिस सर्वरशिप कैन फॉलो अ टाइप वन कर्व व्हेन द प्लांट ग्रो एट अ लो डेंसिटी. तो यहाँ पे ये तो ये ग्राफ तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये टाइप वन है. तो इसको देख के आपको एक आइडिया मिल गया कि एक ही प्लांट अपने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल के टाइम पे डिफरेंट सर्वरशिप कर्व भी शो करता है. डिफरेंट एनिमल या डिफरेंट प्लांट डिफरेंट कर्व भी शो कर सकता है, सेम प्लांट डिफरेंट कर्व भी शो कर सकता है. ठीक है, इसलिए बोला गया था कि ये जो सर्वरशिप कर्व है दैट इज अ वेरी जनरलाइज्ड कर्व, यू कांट बी स्पेसिफिक बिकॉज एट सम पॉइंट सम ऑर्गेनिज्म कैन फॉलो इट स्ट्रिक्टली एंड सम डू नॉट. ठीक है,